नमस्कार, स्वागत है आपका देसी हेल्थ उपाय में। आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे दुनिया में कई प्राणघातक बीमारियां पैर पसार रही है। इन्हीं में से एक है हार्ट अटैक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। तो सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि हार्ट अटैक क्यों होता है। जनरली हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे हृदय तक खून पहुंचाने वाली नसों में रुकावट आ जाती है, जिससे हृदय तक ब्लड बराबर नहीं पहुंच पाता और हृदयघात या तेज दर्द के साथ दिल में दर्द उठता है और उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। शरीर में हार्ट संबंधी बीमारियों के लिए सबसे पहले तो जिम्मेदार है आपका आज का रिफाइंड ऑयल। जी हाँ, जिसे आप रिफाइंड ऑयल कहते हैं वही आपके जान का दुश्मन है। दूसरा है वनस्पति घी, जिसे आप डालडा कहते हैं। तीसरा है नमक, जो रिफाइंड के नाम पर आप अपने घर में डेली यूज करते हैं। आप इन बातों पर शायद यकीन ना करें, पर यह सच है। इनसे आपके खून में गाढ़ापन आ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है और आपके दिल तक, हार्ट तक जो खून पहुंचाने वाली नली है उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से, गंदगी बढ़ जाने से ब्लड बराबर नहीं पहुंच पाता। अब आप समझ चुके हैं कि हार्ट अटैक क्यों आता है। तो अब आज से ही कुछ सावधानियां ज़रूर बरत ले ताकि आपको हार्ट अटैक जीवन में कभी भी ना आए। सबसे पहले तो आप रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर दें। कच्चे घानी का तेल यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यदि यह संभव नहीं हो तो कम से कम तेल का प्रयोग करें और वनस्पति घी डालडा, इसका तो प्रयोग बिल्कुल ही बंद कर दें। और आप जो नमक यूज करते हैं रिफाइंड के नाम पर, उसे भी बंद कर दें। इससे अच्छा है समुद्री नमक, काला नमक। लोग कहते हैं इससे घेंगा रोग होता है, पर पहले के ज़माने में तो बहुत से ऐसे लोग थे जो बिना रिफाइंड चीज़ों का ही इस्तेमाल करते थे, जबकि सौ सौ साल जी जाते थे। और आज हम इतने सुविधाओं के रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड नमक खाकर भी 70 साल बराबर नहीं जी पाते हैं। कई बीमारियां हमें घेर लेती है। तो जितना हो सके आप इन सब चीज़ों से दूर रहे। अब तीसरी बात यह है कि आप जब भी दलहन वगैरह खाएं, जैसे मूंग की दाल, उड़द की दाल या लौकी या अन्य जो भी छिलके वाली चीज़ें हैं, इनके छिलके कभी भी ना उतारें। छिलकों के साथ ही सब्जी बनाकर खाएं। इससे भी आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जितना हो सके आंवले का प्रयोग करें। एक दिन में कम से कम 1-2 आंवले ज़रूर खाएं, चाहे मुरब्बे के रूप में या सलाद के रूप में या चटनी बनाकर। इससे आपके जो पेट की प्रॉब्लम है, ब्लड साफ नहीं होता यह प्रॉब्लम है, यह सब दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है या हार्ट अटैक जिनको आ चुका है, ऐसे लोग रात में सोते समय छोटी मेथी के दाने 1 चम्मच गर्म पानी में भिगोने डाल दें। सुबह उठकर उस पानी को चुस्की लेकर पिए, चुस्की लेकर पीना है उस पानी को, और बाद में मेथी दाने चबा चबा कर खा लीजिए। इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित हो जाएगा। प्याज का रस लीजिए, उसमें 1 चम्मच प्याज में 1 चम्मच शहद मिक्स करिए और उसे आप सुबह खाली पेट पी लीजिए। खाने के पहले 1/2 घंटा पहले पानी न पिए और खाने के बाद भी 1/2 घंटे तक पानी न पिए। अब यदि अचानक रात में सीने में दर्द हो तो क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति के लिए एक होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी औषधि है। यह औषधि जो हार्ट पेशेंट है इनके घर में रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। इसका नाम है एकोनाइट, ACONITE 200, एकोनाइट 200। यदि अचानक सीने में दर्द उठा तो इसकी 1 बूंद मुंह जीभ पर डाल लीजिए। 5-7 मिनट के बाद दूसरी बूंद, फिर 5-7 मिनट के बाद तीसरी बूंद। यह सिर्फ 3 बार जीभ पर डाल लीजिए। इससे जो हार्ट में दर्द हुआ है यह ठीक हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो और आप
इसी तरीके की जानकारियाँ चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।